मेरी जान मेरे कश्मीर है दिल में तेरी तस्वीर। कहता है जमाने से झेलम का ये पानी ना जाएगी अब जाया मकबूल की कुर्बानी मकबूल की कुर्बानी। हम अमन की स्याही से लिखेंगे तेरी तकदीर मेरी जान मेरे कश्मीर है दिल में तेरी तस्वीर। मेरी जान मेरे कश्मीर है दिल में तेरी तस्वीर। आजकल कुछ कश्मीरी खास तौर पर कश्मीरी मुसलमान हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से आने जाने लगे। नौजवान पढ़ने भी आते हैं जैसे कि तुम दोनों। मकबूल, कौमी एकता का एहसास हुआ, ये बाईस खुशी की बात तो है मगर हैरत भी होती है। जी, क्या आप ये नहीं मानते कि नौजवान बदल चुके हैं? और जो लोग कगार पर बैठे झिझक रहे हैं उनका डर भी तो हटाना है। एक बात समझ में नहीं आती कि मुल्क का बंटवारा मजहब के नाम पर करवा कर इनको क्या मिला और आज भी आमादा है उसी बात पर। मुझे भी आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला। यार, क्या ये मुमकिन है कि अगर हम ईसाई हैं या मुसलमान हैं तो अपना अलग मुल्क बनाकर खुशी से रह पाएंगे? क्या ऐसा मुल्क ज्यादा तरक्की कर पाएगा? रॉबिन, ये तो सिद्ध हो चुका है, एक मजहबी मुल्क के फिर से टुकड़े हुए हैं। और यही नहीं, उसी मजहब के लोगों को गैर मुल्कियों जैसा सलूक मिला, मुहाजिर बना दिया गया। आज की दुनिया में जमहूरियत और भाईचारे की बुनियाद पर बने मुल्क ही इंसानी आलातर कदरों का नमूना है। हाँ, हमें भी अपनी फिल्म में इन्हीं आलातर कदरों की तर्जमानी करनी चाहिए। हाँ, मेरी तलाश अभी जारी है, जल्दी ही आप लोगों के सामने अपनी कहानी रखूंगा। मैं काफी तलाश के बाद इस फैसले पर पहुंचा हूं कि अब तक हम कई डिस्कशंस के बाद ये तो एक राय के साथ मान चुके हैं कि हमारी फिल्म किस तरह के सब्जेक्ट पे होनी चाहिए। कोई नेशनल इशू उठाना जरूरी है। बेशक। क्यों अंजुम, क्यों मंजीत, तुम्हारी भी यही राय है ना? हाँ, पर हमारी स्टोरी कन्विंसिंग तो होनी चाहिए पर साथ ही साथ दिलचस्प भी होनी चाहिए। हाँ, जैसे कि महात्मा गांधी जी की कहानी, इसमें सारी खूबियाँ हैं पर इसके बारे में सब जानते हैं और एक इंटरनेशनली एक्लेम फिल्म भी बन चुकी है। शुक्र है बन चुकी है, नहीं तो मिस्टर रॉबिन महात्मा गांधी पर ऐसी फिल्म बनाते कि रिचर्ड एटनबरो भी उन पर फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं करते। मजाक अच्छा कर लेती। मजाक का बुरा तो नहीं मान गए? मंजीत, मजाक ही तो है और वैसे भी तुम्हारी हर बात को मैं मजाक में ही लेता हूँ। मेरी राय में मीर मकबूल शेरवानी की जिंदगी, कश्मीरियत के लिए एक नौजवान कश्मीरी की शहादत सारे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अजीम मिसाल है, जिसकी तुलना लाला लाजपत राय, शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद से की जा सकती है। मगर अफसोस, हमारे मुल्क के नौजवानों ने उन्हें भुला दिया है, खास तौर पर हमारे कश्मीर के नौजवानों ने। मैं समझता हूँ आज के दौर में हमें मकबूल शेरवानी जैसे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। मगर शेरवानी का अफसाना क्या है? अफसाना नहीं, हकीकत है। इसीलिए कहा गया है कि फैक्ट्स आर मोर स्ट्रेंजर देन फिक्शन। मगर हमें और रिसर्च करके अपने प्रपोजल प्रोफेसर हुसैन के आगे रखने होंगे। तीन सेशन के बाद भी दूसरे लोग अपने प्रपोजल को डिफेंड नहीं कर पाए। इस पर एक मशहूर नॉवल भी है, डेथ ऑफ ए हीरो। किसने लिखा है ये? मशहूर राइटर मुल्कराज आनंद ने। हमारी कहानी इसी नॉवल पर बेस होगी। फिल्म की कहानी नौजवानों को अपनी कहानी लगनी चाहिए ताकि वो अपने आप को इससे आइडेंटिफाई कर सकें और रिलेट कर सकें। आज शाम तक हमें प्रोफेसर हुसैन से अपने टॉपिक्स पर मंजूरी लेना जरूरी है। हाँ, मैं भी अभी तक उसी पे काम कर रहा था। आज भी कश्मीर में वो ताकतें काम कर रही हैं जिन्होंने शहीद मकबूल शेरवानी की आवाज़ को बंद करना चाहा था। और आज कश्मीर में ही नहीं बाकी के हिंदुस्तान में भी ये मजहब के नाम पर नफरत की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। शहीद आजम, मुजाहिद अजीम, शहीद मकबूल शेरवानी, जिंदाबाद।
शुक्रिया, मैंने प्रपोजल की आउटलाइन तैयार कर ली है। हाँ, लेकिन आज जो कश्मीर में हिंदू, मुसलमान और सिख औरतों पे गुजर रहा है, उसका दिखाना भी तो जरूरी है। हाँ, हमारी फिल्म उनकी तकलीफों और उनके सपनों के बारे में होनी चाहिए। फिरका परस्ती का जो जहर जिन्ना ने बारामूला से होते हुए पूरे कश्मीर में घोलना चाहा था, मकबूल शेरवानी ने जिन्ना साहब का इस्तकबाल जूतियों का हार पहना कर किया था। जनाब मकबूल शेरवानी की शहादत हम कश्मीरी भुला नहीं सकते। मंजीत और अंजुम ने जुम दहशत की शिकार कश्मीरी खातूनों पर फिल्म बनाने की जो पेशकश की है, मैं उसकी कदर करता हूँ। साथ ही मैं फिर से अपील करता हूँ कि हमें जुल्म और दहशतगर्दी की तह तक जाना होगा। जो सितम मजहब और ईमान की आड़ में हिंदुओं पर, मुसलमानों पर हुए हैं और आज तक होते आए हैं, हमें उसे फोकस में लाना है। और इसके लिए मकबूल शेरवानी से अच्छा टॉपिक नहीं हो सकता। यार बात तो तू ठीक कर रहा है, मगर इसका टाइटल क्या होगा? इतने दिन से तू कंप्यूटर में बैठा हुआ है, कुछ मिला कि नहीं? मैं समझता हूँ इसका टाइटल ऐसा होना चाहिए जो आज के नौजवानों को मुतासिर करे, उन्हें सोचने पर मजबूर करे। हाँ, ताकि आज के नौजवान उनके आइडियल्स को, उनकी कुर्बानी को भुलाए नहीं। उनके ख्यालातों की आज के कश्मीर को ज्यादा जरूरत है। 7 नवंबर 1947, जब पाकिस्तानी कबायलियों ने नए कश्मीर की पुरजोर आवाज उठाने वाले हीरो को सलीब पर चढ़ाकर उन्हें गोलियां दागकर मारा था, उस दिन मकबूल शेरवानी मरे नहीं, वो तो अमर हुए थे। कश्मीर के मकबूल शेरवानी के उसूल, उनकी कदरें सारे हिंदुस्तान, सारे कश्मीर के नौजवानों को गुमराही के रास्ते से बचाकर तरक्की की मंजिल तक ले जा सकता है। मकबूल शेरवानी किसकी विरासत है? आखिर हमारे कश्मीर को क्यों गुमराह किया गया? मकबूल शेरवानी के ऊपर फिल्म बनाने के बारे में क्या ख्याल है? मेरा पहला वोट तो मकबूल शेरवानी को ही जाता है। और मेरा भी, मगर टाइटल भी तो सोचो यारो। मुजाहिद-ए-आज़म शहीद मकबूल शेरवानी। इसे क्या इत्तेफाक है ना, आज भी बारामुल्ला का एक और नौजवान मकबूल मकबूल शेरवानी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पेशकश कर रहा है। यार मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। अच्छा ये जो टाइटल जो अंजुम ने सजेस्ट किया है, मुजाहिद-ए-आज़म शहीद मकबूल शेरवानी, वो ठीक है? ठीक तो है, लेकिन कुछ पुरानी कहानी का एहसास करवाता है। हमारा मकबूल आज की तर्जुमानी भी करता है, हमलावर आज भी मौजूद है और उसका सामना करने के लिए मकबूल आज भी है और कल भी रहेंगे। हमें मकबूल शेरवानी को वापस जिंदा करना है, उनके एहसास को, उनके उसूलों को, उनकी कदरों को अवाम तक पहुंचाना है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी उन्हें भूल चुके हैं। आज भी हिंदुस्तान में मकबूल जैसे लोगों की कमी नहीं है। आज भी नौजवान देश के खातिर मर मिटने को तैयार है। मैं मानता हूँ मकबूल शेरवानी को भुला दिया गया है, हमें उन्हें वापस लाना है। मकबूल को वापस लाना है, मकबूल की वापसी। क्या रॉबिन, क्या टाइटल सजेस्ट किया है! एकदम फिट, बिल्कुल हिट, रिटर्न ऑफ मकबूल। और हाँ, ये मजाक नहीं है। हाँ, बादब, बामुलाइजा, होशियार, शहीद-ए-आज़म मकबूल शेरवानी वापस आ रहे हैं। तो तय हुआ, हमारा टाइटल होगा मकबूल की वापसी, मकबूल की वापसी। आपने अपने प्रपोजल की हिमायत में ये लिखा है कि इन द लास्ट 36 आवर्स ऑफ हिज लाइफ मकबूल वाज कॉट इन पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ काउंटरिंग द फोर्स ऑफ मुस्लिम फंडामेंटलिज्म एंड आर्म्स ऑफ पाकिस्तानी रेडर्स। मकबूल्स स्टोरी इम्प्रेस यू बाई हिज ह्यूमनिज्म, सेकुलरिज्म एंड बर्निंग हेट्रेट ऑफ रिलीजियस बायोगेट्री। यानी मकबूल शेरवानी की जिंदगी के आखिरी 36 घंटे सियासत से घिरे हुए थे। वो कट्टरपंथी मुसलमानों का सामना कर रहे थे और साथ ही पाकिस्तानी हमलावरों का मुकाबला कर रहे थे। मकबूल की कहानी में इंसानी कदरों, सेकुलरिज्म, रिलीजियस बायगेट्री से नफरत के जज्बे ने ही आपको मुतासिर किया है।
यानी कि जो अपने मजहब को अव्वल दर्जा देते थे और बाकी के मजहबों को हिकारत की नज़र से देखते थे, उन्होंने उनकी मुखालफत की। इसीलिए आप सब लोग उनके किरदार से बहुत मुतासिर हैं। आपको यकीन है कि मकबूल शेरवानी की शहादत आज के कश्मीरी, या यूं कहूँ हिंदुस्तान के नौजवानों के दिलों के अंदर जोश पैदा कर पाएगी? वो उसे सराहेंगे या वक्त पड़ने पर अमल कर पाएंगे? जी हाँ सर, ज़रूर करेंगे। क्या ये एक पोइटिक जस्टिस नहीं कि आज के कश्मीर के नौजवान चीफ मिनिस्टर भी उसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं जिसके कभी मकबूल शेरवानी वर्कर हुआ करते थे? आज कश्मीर में जमहूरियत है, यानी डेमोक्रेसी, इसी का सपना तो शहीद शेरवानी ने देखा था। वो भी सेक्युलर थे और डेमोक्रेटिक रूल पर यकीन रखते थे। आज के कश्मीरियों ने भी तो जमहूरियत को ही अपनाया है। आप कैमरे को क्या समझते हैं? हम कैमरे को हथियार समझते हैं सर। जी हाँ सर, मैं इसे बदलाव का, आला कदरों का, मजलूमों की बेहतरी का हथियार बनाना चाहता हूँ। लेकिन आपकी कहानी तो कश्मीर के बारामुल्ला की है, अब बारामुल्ला की कहानी को आप यहाँ कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? मैडम, हमारा सब्जेक्ट मकबूल शेरवानी के उसूल है, ना कि वहाँ के पहाड़, नदियाँ, झील और गुल और बुलबुल। जी हाँ मैम, हमारी कहानी के हीरो मकबूल शेरवानी है। हमें अपनी बात मकबूल शेरवानी की जबानी कहनी है। हमें एक मौका दीजिए। सर, हम वक्त की पाबंदी, डिफिकल्ट लोकेल्स और कम बजट को भी अपनी ताकत बना देंगे। जरूर बनाएं, हम आपके साथ हैं। क्यों मिस्टर निशेश? सर्टनली मैडम। और हुसैन साहब, आपका क्या ख्याल है? राइट सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आपका प्रपोजल यूनानी मछली अप्रूव किया जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। फिरका परस्ती, दहशतगर्दी को हम मीडिया के सही इस्तेमाल से शिकस्त दे सकते हैं, ये हमारा यकीन है। हमारे इंस्टीट्यूट में हर मजहब के बच्चे तालीम हासिल करते हैं। उन्होंने टीवी पर ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। एक आखिरी सवाल मेरा भी है। मैं समझता हूँ ये प्रपोजल, अपनी फिल्म का टाइटल जो आप लोगों ने रखा है मकबूल की वापसी, शहीद मकबूल की विचारों को जिंदा कर पाएगी? ज़रूर कर पाएंगे सर। मैं आप लोगों को एक बात से आगाह कर दूँ कि आपका बजट ना के बराबर होगा। एक बात और, जो इक्विपमेंट, लाइट, कैमरा और रॉ मटेरियल आपको इंस्टीट्यूशन देगा, आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रोज पैकअप के बाद इक्विपमेंट ठीक ठाक कंडीशन के अंदर जमा कराएंगे और शहर से बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं है। ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि बहुत सारी कमियाँ होने के बावजूद भी बहुत से स्टूडेंट ने कमाल की फिल्में बनाई हैं। देखना यह है कि अब आप क्या कमाल दिखाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, गो अहेड एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू। व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी? वी हैव टू फोकस अपॉन दैट एंड बिल्ड आवर स्क्रिप्ट। लेकिन रॉबिन, हमारा स्टोरी बोर्ड तो तैयार है। अब मंजीत, रॉबिन ठीक कह रहा है, हमें एक ट्रीटमेंट की जरूरत है, एक ऐसा नज़रिया जिसके अंदर हम फिल्म के सारे हाथ से पिरोते चले जाएं, तभी तो हमारी फिल्म ज्वेल अमंग द फिल्म की तरह निकल के आएगी। आप सही फरमाती हैं। माफ़ी चाहता हूँ, मुझे देर हो गई, सारी रात काम किया, फैक्ट्स जुटाए, अब तस्वीर साफ है। हमने अपनी कहानी की शुरुआत मकबूल के मोटरसाइकिल पर सवार होकर श्रीनगर से बारामुल्ला जाते हुए शुरू की है। मगर उसका बचपन कैसे गुजरा, वो हिंदुस्तान के बारे में, उसकी कल्चर, संस्कृति, इतिहास, तहजीब के बारे में क्या जानते थे? उनका सियासी नजरिया क्या था? ये सब बहुत अहम पहलू हैं। मैंने इस पर कुछ रिसर्च की है। देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताती हूँ। शेख अब्दुल्ला साहब के अलावा बारामुला के ही एक बुजुर्ग सियासी लीडर सूफी मोहम्मद अकबर थे जिन्होंने शेरवानी की रहनुमाई की है। शेख साहब और सूफी मोहम्मद अकबर ने बारामुला की रियाया को अपनी हकूकों को हासिल करने के लिए तैयार किया। जब कभी
बारामूला ज़िले में वजीर वजारात के रिश्वतखोर कारिंदे अवाम पर जुल्म करते, मकबूल शेरवानी अहिंसक तरीक़ों से आंदोलन कर उनकी मुखालफत करते थे और इस तरह मकबूल शेरवानी ने बारामूला की रियाया में बाकमाल मकबूलियत हासिल कर ली थी। क्या मकबूल शेरवानी भी जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला साहब या फिर महात्मा गांधी जी की तरह आज़ादी की लड़ाई में कभी जेल गए थे? रॉबिन, तुम्हें एक सवाल और करना चाहिए। उस दौर में मुल्क का बंटवारा करवाने वाले मुस्लिम लीग के आला लीडर क्या हुक्मरानों की जेल में एक दिन भी रहे थे? ये बहुत अहम सवाल है। आपका इशारा मोहम्मद अली जिन्ना से तो नहीं? अंजुम, अगर हम मकबूल शेरवानी जैसी शख्सियत पर फिल्म बना सकते हैं तो उस दौर के फिरका परस्तों का भी इल्म होना ज़रूरी है। आखिर मकबूल का मुकाबला उन्हीं से रहा होगा। हमें एक बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए, जनाब मोहम्मद अली जिन्ना कभी भी जेल नहीं गए, और दूसरी बात ये कि वो मुसलमानों को गुमराह करने बारामूला भी आए थे और मकबूल शेरवानी ने उनका सामना करके अवाम में एक चेतना जगाई थी, असली इंसानियत की चेतना। मकबूल शेरवानी खुद एक शायर थे। बचपन में स्कूल में वो स्टेज पे नाटक किया करते थे और जवानी में कम्युनिस्ट आइडियाज़ के और सेकुलर आइडियाज़ के चैम्पियन थे, सच्चे और अच्छे इंसान। मकबूल शेरवानी ने 1947 में पाकिस्तान के भाड़े के हमलावरों और सिविल ड्रेस में पाकिस्तानी फ़ौजियों का सामना करने के लिए शेख अब्दुल्ला की हिदायत पर 10,000 लोगों की नेशनल होमगार्ड की फ़ौज तैयार की ताकि वो इन सब का मुकाबला कर सकें। गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वादी में जगह जगह तकरीरें करते थे जो मुश्किल वक्त में आवाम को सही राह दिखाने में, उनकी रहनुमाई करने में काफ़ी असर छोड़ती थी। मुझे यकीन है इस डिस्कशन के बाद हम सबको ये मालूम हो गया होगा कि वो दौर क्या होगा और उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम में हमारे हीरो मकबूल शेरवानी की कुर्बानी कितनी बड़ी रही होगी। हमारा स्टोरी बोर्ड तो तैयार है पर हमें इस फिल्म को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 10 दिन मिले हैं। अंजुम, यू कहो 10 दिन और 10 रात। ओके, हम रात दिन मेहनत करने को तैयार हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारा बजट 0 के बराबर है, सिर्फ इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल यूनिवर्सिटी से मुहैया होगा। एक्टर्स हमें खुद अपने दोस्तों, मददगारों और रिश्तेदारों में से चुनने होंगे। और हाँ, हमारे आर्ट डायरेक्टर पांडे जी ने स्टूडियो में सेट लगाना शुरू कर दिया है। और आखिरी बात, स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर तक का काम हमें खुद करना होगा। बिल्कुल, और ताबीर करनी होगी एक नई दुनिया की जिसका ख्वाब शहीद मकबूल शेरवानी ने देखा था। अब होगी सही मायने में मकबूल की वापसी। कल सुबह 7 बजे हम पहला शॉट लेंगे। लगता है आप लोगों की फिल्म की तैयारी बहुत जोर शोरों से चल रही है, और अगर आपको फिल्म में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप लोग मेरे पास कभी भी आ सकते हैं। ज़रूर सर। और वैसे भी मैडम आप लोगों के साथ हैं, और आपकी फिल्म के अंदर अगर मैडम के लायक कोई भी काम हो तो इन्हें फिल्म में ज़रूर चांस दें। ज़रूर सर। वैसे भी सर की मजाक करने की आदत है, हम आपके लिए उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। ऑल द बेस्ट एंड कीप इट अप। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। ओके, इसको हल्का सा साइड कर। तुम कौन-कौन से मस्टैचेस लगाओगे? इसको हल्का सा नीचे करना, हल्का सा स्लाइटली। तीन मस्टैचेस लगाओगे क्या? इसको हल्का शिफ्ट करो इस तरफ ना। तीन मस्टैचेस। ये जो सीन है ना, ये तुम जो सीन कर रहे हो। नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही हूं। इस सीन में इस तरफ रहेगा ये कैमरा, ट्रॉली यहां से यहां जाएगी इस तरफ। ठीक है, जैसे जैसे आप उधर जाएंगे तीन मुस्टैचेस लगाएगा, चश्मा उतार के ना उस पे तीन कर देगा। उसको हल्का हल्का टिल्ट डाउन करो। हां, पे कर टिल्ट डाउन। सही बात है। फिर पूरा फोकस यहां पर इसके ऊपर आएगा। यहां पर कैमरा है। ये हम लोग, रॉबिन, हम लोग इस वाले सीन को उधर ले सकते हैं ना? उधर उधर में ऐसे बना के इधर ना। हां हां, यहां पे उसमें अगर हम लोग एक कुर्सी रख दें वहां पे, नहीं तो हम यहां पे हो सकता है। हो सकता है ना। ये क्या लगाया है तुमने? तुमने जनाब मकबूल शेरवानी की तस्वीर नहीं देखी क्या? ये है मकबूल शेरवानी की तस्वीर। हमें ऐसी मूछें चाहिए।
चश्मा उतार के दिखाना। टोपी लगाना। अब लग रहे हो तुम जनाब मकबूल शेरवानी की तरह। अरे भाई, ये मकबूल ही तो है। मेरा मतलब जनाब मकबूल शेरवानी साहब से था। अच्छा मकबूल, इस शॉट में ना तुम अकेले ही हो, ठीक है? मकबूल शेरवानी की फिल्म की बात सुनकर मेरे बारामूला के दोस्त बहुत एक्साइटेड थे। अच्छा। और फिर दिल्ली की सैर भी करना चाहते थे। कल रात से ही मेरे साथ मिसेस कॉल के गेस्ट हाउस में ठहरे हैं और कल रात से ही अपना अपना रोल तैयार करने में लगे हैं। लंच के बाद सेट पर पहुंच जाएंगे। उनके साथ हमारा बारामूला के कॉलेज की कैंटीन का वेटर भी आया है, रमजाना। अरे वाह, ये हुई ना बात। वो क्या कहते हैं, अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। यार मंजीत कौर, तुम तो शायरा हो गई। वैसे फिलहाल ना कैमरे पे ध्यान दो और नो वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड नो रीटेक्स। यस मैम। यार अभी तक चाय नहीं आई। चाय हाजिर है मैम साहब। वाह मंगलू, बस याद किया और चाय हाजिर। जी मैम साहब। अरे मकबूल शेरवानी साहब, आदाब है। आदाब, आदाब भाई। अच्छा मंगलू, तुम्हें याद है ना इसके अलावा तुम्हें और क्या क्या काम करने हैं? सब याद है मैम साहब। सेट पे डिसिप्लिन बनाना, चाय पिलाना, पानी पिलाना और आपका हुक्म मानना। क्यों? बिल्कुल ठीक। चलो शॉट लेते हैं, ठीक है? ओ यस साइलेंस। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में सूफियाना विरासत गुल और बुलबुल की शायरी से हटकर एक नया उफान उठ रहा था, जिसकी शुरुआत सन 1938 में हुई, जिसने घाटी में एक नया जोश पैदा कर दिया, एक नया कश्मीर, जिसकी सियासी बुनियाद मोहम्मद शेख अब्दुल्ला ने रखी थी, जो आम कश्मीरियों के दिलो दिमाग में घर कर चुके थे। ये सरगर्मियाँ 1947 के आते आते कश्मीर के ऊंचे पर्वतों को छूने लगी। बुद्धिजीवियों और शायरों के मिजाज बदल गए। आम आदमियों की कठिनाइयां और परेशानियां उनकी शायरी का हिस्सा बन गईं। उर्दू और फारसी की बजाय मादरे जबान कश्मीरी में कलाम कहे जाने लगे। कश्मीर के मुस्लिम नौजवान ऊंची तालीम पाने के लिए अपने घरों से निकलकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाने लगे। कश्मीर के अजीम शायर गुलाम अहमद महजूर और अब्दुल अहमद अजद ने इन शोलों को हवा दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने महजूर को कश्मीरी शायरी का वर्ड्सवर्थ भी कहा। महजूर साहब ने लिखा है, दिल फरेब लुभावने ख्वाबों को झिड़क कर इन गुलों की वादियों में तूफान को आने दो, बिजलियों को कड़कने दो, झकझोरने दो इन जलजलों को। जिंदा कॉल दीनानाथ नादिम, मिर्जा गुलाम हसन आरिफ इसी सिलसिले की अहम कड़ियाँ थीं। सारे हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन चरम सीमा पर था। कश्मीरी आवाम पर भी इसका असर पड़ा। कश्मीर के महाराजा के कारकुनों का दमन इस बदलाव की आंधी को रोक ना सका। आवाम नए कश्मीर की सुबह देखने के लिए बेचैन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कश्मीरियों की मदद के लिए हिंदुस्तानी फौज भेजी, जिन्होंने ठीक मौके पर श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतरकर हमलावरों के जुल्म से कश्मीरियों को निजात दिलाई। जब से होश संभाला, सरमाएदारों बेईमान अफसरों के खिलाफ और इंसानों और मुल्क को मजहब के नाम पर तकसीम करने वालों की खिलाफत करता रहा। मजहबी तंग नजरी कश्मीरियों को शिकस्त नहीं दे सकती। हमलावर पाकिस्तानी फौज के घुसपैठिए और वहशी कबाइली कश्मीरियों को गुलाम बनाना चाहते हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं गांदरबल सोपोर के रास्ते में कितने ही लोगों से मिला, हमलावर दरिंदों के जुल्म की दास्तानें सुनी।
मकबूल बेटा तू आ गया, हमारी तो कोई फरियाद ही सुनने वाला नहीं था। दहशतगर्द कबाइलियों ने हमारा सब कुछ लूट लिया, सब कुछ सुलेमान की जवान बेटी को उठा कर ले गए।